सीरीज़ के जो प्रायोजक हैं वो कपूर इलेक्ट्रिकल, चौबाटा बाज़ार मंडी, बिजली से जुड़ा हर सामान आप यहाँ से ले सकते हैं। फैंसी लाइट्स भी आपको मिल जाएगी और होल सेल पर यहाँ पर सारा सामान मिलता है। लॉयड एसी के डीलरशिप भी इनके पास है, एंकर के हो गए, बहुत से इनके पास बहुत ब्रांड के जो इन्होंने सामान रखे होते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये थे चमाहू देवता, इस तरफ आप देख सकते हैं, दर्शन कर लीजिए। और ये हैं घटोत्कच जी जो कि शिष्य हैं चमाहू देवता के। तो अभी हमारे साथ हैं गोविंद राम जी जो कि देवता के जो कारदार हैं। थोड़ा हमें बताएं कि देवता किस लिए प्रसिद्ध हैं और कहाँ है देवता का मंदिर? देवता का मंदिर मूल स्थान खनी पे है जी, जहाँ बड़ा काफ़ी बड़ा तालाब है। तालाब में ऐसा है कि अगर आपातकाल स्थिति में जैसे मान लीजिए बारिश नहीं हो तो वहाँ यज्ञ किया जाता है 3 दिन, और 3 दिन के अंदर ही बारिश हो जाती है। और वाकई मंडी में ऐतिहासिक ज्येष्ठ काल से आते हैं, मंडी वाले जो पुराने राजा जी थे उनके औलाद नहीं थे, तो औलाद के लिए उन्होंने यहाँ राज प्लेस से कार्तिक मास और साढ़ महीने में जी यहाँ से फूल लाया जाता था, जो कि आज भी प्रसिद्ध है। और उनका जो वजीर था वो था चूड़ सिंह जी, वो बेसिकल चंडीगढ़ कालरा से थे, और उनकी जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बावजूद जो उनकी वो प्रॉपर्टी थी वो कालरा से आए पंडित, आज की डेट में भी जो राज प्लेस से यहाँ माधुराय जी का फूल लिया जाता था वो आज भी हमारे वहाँ बाली चौकी से 2 किलोमीटर आगे छिलाड़ों स्थित नामक स्थान पर जो है राज प्लेस बनाया गया, जो कि जितनी राज प्लेस में यहाँ मूर्तियाँ माधुराय की योद्धा से आई उससे ज़्यादा मूर्तियाँ वहाँ आई जी। और वाकई वो फूल का ऐसा है कि जब औलाद राजा जी की होगी तो उन्होंने उस फूल की बेलक अमानत मान ली देवता चमाओं के लिए। वाकई इनका आपसी संबंध गुरु चले गए जी। वैसे इस घटोत्कच का मंदिर जी दरिया के किनारे हैं, वहाँ काफ़ी बड़ा तालाब है और मंदिर भी है, और पुरानी इसकी क्रमदा मूर्ति भी है। और उसके बावजूद ऐसे जी कोई मान लो किसी ने किसी भी चीज़ की मन में इमानत की अमानत पूरी होने पर वहाँ अगर अच्छे मन से जाएंगे तो आपका फूल का तिनका भी उस तालाब में डूब जाएगा, अगर नाराज मन से किए तो क्वांटा सा लोहा फेंकता हुआ वो भी तैरता हुआ तालाब से बाहर निकल जाएगा। ये अभी भी ऐसा होता है? ऐसा होता है बिल्कुल, मतलब वो चीज़ें नहीं, अगर नहीं तैरनी हो तो नहीं तैरेगी जी। और बाकी वहाँ टनों के हिसाब से आज की डेट में भी इसकी इमानत का लोहा है उस जगह पर ही जो घटोत्कच की जी जी जी। और वहाँ एक इनकी काफ़ी पत्थर की शिला है जिनको कि पूर्वजों के टाइम से आज तक केमदा हड़म्बा का रूप माना जाता है जी। तो ये इकट्ठा ही बैठते हैं जैसे घटोत्कच जी हो गए, चमाहू देवता हो गए, इनके आपस में आपने बोला कि घटोत्कच इनके चमाहू देवता के शिष्य है। केन मतलब जब महाभारत हुआ तो महाभारत टाइम पर जी जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस टाइम भी राक्षस को स्थान दिया गया था, एक हड़म्बा पुत्र घटोत्कच इसको राक्षस रूप माना गया है। तो जब इन्होंने हमारे जी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि नौगढ़ सराज का है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू मंडी का दोनों ही, तो वहाँ जब नौगढ़ सराज में ये अपने उस कला का प्रदर्शन करते हुए पांडव पुत्र आ गए तो फिर इसको स्थान कहीं नहीं मिला है, तो फिर जब खणी नामक स्थान पे पहुँचे तो वहाँ घटोत्कच जी को शरण जो है चमाऊ ने दी और इसने इसको अपना गुरु माना जी। तो अभी देवता पैदल आते हैं शिवरात्रि में? बिल्कुल पैदल यात्रा जी, कोई गाड़ी में कहीं भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू मंडी में जहाँ कहीं भी जाते हैं तो बिल्कुल पैदल यात्रा, कोई गाड़ी में नहीं जाते। तो फिर कितने टाइम लग जाता है? टाइम तो ये अब जब नौगढ़ सराज में ये अपने पूरी हरियाणा में जाता है तो 3-4 महीने के बाद वापस घर आ जाता है। 3-4 महीने? हाँ, मतलब इतना एरिया इनका है, इतना काफ़ी एरिया जी। तो ये दोनों रथ इकट्ठा ही जाते हैं? इकट्ठे जाते हैं जी, इमानत पर इकट्ठे जाते हैं, वैसे अलग जाने का इनका अपना स्थान अलग अलग है। अच्छा। जब कोई इमानत का मान्यता पूरी होगी किसी की भी जो मन में इच्छा किसी ने बापी वो पूरी होगी तो फिर दोनों इकट्ठे भी जाते हैं जी। तो ये थे चमाहू देवता, इस तरफ आप देख सकते हैं, दर्शन कर लीजिए। और ये हैं घटोत्कच जी जो कि शिष्य हैं चमाहू देवता के। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।